हेलो गाइस, वेलकम बैक राज टेलर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक फिटिंग पैंट की कटिंग करना बताएंगे। उससे पहले इसका आप मेजरमेंट समझ लीजिए। तो दोस्तों, पैंट की लंबाई है 36 इंच और कमर है 34 इंच और राहन पट यानी कि 25.5 और मोरी 14 इंच और हिप है 36.5। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पैंट की कटिंग करने से पहले कपड़े को कुछ इस तरीके से बिछाते हैं, अंदर की साइड सीधी करते हैं, ऊपर की साइड राउंड करते हैं, यानी कि जिस साइड में मार्किंग करेंगे वो उल्टी साइड होती है। अब दोस्तों, सबसे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्किंग करेंगे। तो एल स्केल को इस तरीके से किनार से मिलाना है और ऊपर की साइड में एक कपड़े को सीधा करने के लिए मार्किंग कर लेनी है। और इसके बाद में दोस्तों, ये किनार को निकालने के लिए एक मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब दोस्तों, अपनी इस पैंट की लेंथ है 36 इंच। तो दोस्तों, सिंपली आपको बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर निकाल लेना है, इसके बाद में 36 इंच पे आपको मार्किंग कर लेनी है। अब दोस्तों, बॉटम फोल्ड के लिए आप नीचे 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच रख रहा हूँ। अब दोस्तों, इसकी हिप है 36.5 इंच, तो 36.5 का चौथा हिस्सा बना 9 इंच और एक सूत, तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्किंग कर लूंगा। दोस्तों, इस पैंट की लटक 9 इंच रखूंगा। दोस्तों, आप इनसीम का भी नाप ले सकते हो यहाँ से, यानी कि गिदरी को भी नाप कर रख सकते हो। तो दोस्तों, मैंने इसमें गिदरी नहीं नापा, यानी कि इनसीम नहीं नापा, तो मैं लटक के हिप के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ। तो इसके बाद में इन मार्कों को आपको सीधा कर लेना है। इस तरीके से अब दोस्तों, इसके जो थाई है वो 25.5 है, साढ़े बारह में 25 हुआ और 2 सूत ऊपर, तो 25.5। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं 25 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ, यानी कि 12.5 पे निशान लगा लेता हूँ और 1.5 इंच पीछे करते हुए एक मार्किंग और कर ली। ठीक है दोस्तों, अब इस सामने को नाप यहाँ से देखेंगे, ये 11 इंच हुआ, तो सिंपली 11 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों, ये फिटिंग पैंट है बिना प्लेटों की, तो इसकी कमर है दोस्तों 34 इंच, यानी कि 8.5 और 1/2 इंच इस साइड में लिया और 1/2 इंच इस साइड में लिया, तो 9.5 हो गया। तो दोस्तों, 9.5 अपने टोटल है। तो अब ये इतना पीस बड़ा हो रहा है, तो दोस्तों पहले आप इसको नाप लीजिए, ये 1/4 इंच है, तो 1/2 इंच इस साइड में कम कर दीजिए और दोस्तों 1/4 इंच इस साइड में कम कर दीजिए, तो अपना प्रॉपर सही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अब नाप के देख लीजिए, ये 9.5 आ रहा है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब दोस्तों, आपको सिंपली शेप फिट्टी की मदद से आपको ऐसे शेप कर लेनी है इस साइड में और सामने को इस तरीके से मिला लेना है। दोस्तों, ये बिना प्लेट की पैंट है, इसलिए यहाँ पे जो अपने 1/4 इंच बचा उसको निकाल दिया, 1/2 इंच इस साइड में और 1/4 इंच इस साइड में। इसके बाद में 34 इंच कमर है अपनी, तो यहाँ पे ये 8.5 पे मार्क किया और 1/2 इंच दोनों साइड में मार्जिन के लिए गया 1 इंच, तो यहाँ पे ये पीस 9 इंच 9.5 इंच का हो गया। अब दोस्तों, इसको ऐसे सिलाई को राउंड कर लेना है। अब दोस्तों, इसका सेंटर ले लेंगे 12.5, 6 और अब इसको यहाँ पे किनार तक नाप लेंगे, 7.5 हुआ तो 7.5 यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों, मोरी है 14 इंच, 3.5 इधर और 3.5 इधर, तो 14 इंच हो गया। अब दोस्तों, एल स्केल की मदद से इस लाइनिंग को थोड़ी दूर तक सीधा खींचेंगे, यहाँ तक और इस साइड में भी यहाँ तक सीधा, इसके बाद में शेप पट्टी की मदद से शेप कर लेंगे।
इस तरीके से दोस्तों शेप कर लेनी है। अब दोस्तों इसका सामना डाउन करेंगे तो वह अपने पौना इंच करेंगे, तो पौना इंच पे मार्किंग किया और क्रॉस पकड़ के लिए 2.25 इंच इस साइड में और 7.5 ऐसे। इस तरीके से क्रॉस पॉकेट हो जाएगा और ये सामने को ऐसे डाउन कर देना है। 34 इंच कमर है तो यहाँ पे मैं सिंपली 34 इंच लिख दूंगा और यहाँ पे 14 इंच मोरी है, 14 इंच मोरी नोट कर दूंगा। तो अब दोस्तों मैं फ्रंट की कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में बैक पीस की कटिंग करना भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सिंपली अपने पैंट का सामना कट चुका है, अब बैक पीस की कटिंग करेंगे तो वो कैसे करनी है वो समझ लीजिए। तो दोस्तों इस कपड़े को आपको ऐसे पलट लेना है सबसे पहले इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पलट लिया है, अब इसके ऊपर आपको सामने को रखना होगा। तो सामने को दोस्तों देखिए किस तरीके से रखना है, इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल सही करते हुए सामने को रख लेना है। इसके बाद में दोस्तों इसी लाइन को आपको सीधा खींच लेना है, तो इस तरीके से इस लाइन का सीधा एक करते हुए मार्क कर लेना है और यहाँ पे बिल्कुल सेम यही मार के सीधे करनी है। अब दोस्तों बॉटम में आपको 1.5 इंच बढ़ते हुए रखना है और दोस्तों अब अपने यहाँ पे थाई के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच पहले इंच टेप रोकना है और इस साइड में भी 1/2 इंच पहले इंच टेप को रोकना है और ऐसे करते हुए 25.5 थाई है तो 26 इंच पे अपने मार्क लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं सिंपली आपको बता देता हूँ ये 2.75 इंच आया है, क्योंकि दोस्तों सामना अपना थोड़ा सा कम कटिंग किया था इसलिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सॉरी दोस्तों ये 3 इंच ही कटिंग हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2.5 से 3 इंच बैक बड़ी होनी चाहिए इस साइड से तो अपनी पैंट की फिटिंग सही आती है। अब दोस्तों आपको जितना भी इसको ऐसे शेप किया है अंदर की साइड में उतना ही इसको बाहर निकाल लेना है, जैसे अपने 1/2 इंच अंदर किया है तो इसको 1 इंच बाहर निकाल लेंगे। तो 1 इंच बाहर निकालने के लिए आपको ऐसे शेप फट्टी की मदद से इसको सीधा कर लेना है। अब दोस्तों 1/2 इंच मार्जिन का एक निशान लगा लेना है और इसके बाद में अपनी कमर है 34 इंच तो 8.5 और 1 इंच पीछे की टेप के लिए तो 9.5 और दोस्तों बैक की सीट की जुड़ाई के लिए 2 इंच अलग से और यहां से आपको इसको 1.5 इंच उठाना है इस तरीके से और ऐसे शेप फट्टी को रखते हुए मिला लेना है। अब दोस्तों हिप का मार्का कैसे करना है वो समझ लीजिए। तो दोस्तों 36.5 हिप है, 1/2 इंच इस तरीके से पहले ही ऊंची टेप को रोकेंगे और इस साइड में भी 1/2 इंच ऐसे पहले 36.5 हिप है, 18 × 36 200 ऊपर 36.5 और दोस्तों हिप से लूजिंग आपको लगभग 1.25 से 1.5 इंच की लेनी है, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच ले रहा हूँ लूजिंग, तो इस तरीके से ये मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों जैसे कि आप इसको ऐसे सीधा है तो सीधा लाइन खींच लीजिए, अगर ये अंदर की साइड में आ रही, अगर ये लाइन यहाँ पे आ रही है तो इसको बाहर की साइड में ही रखना है आपको ऐसे। इसके बाद में ये सीट की जुड़ाई वाला भी अलग से लाइनिंग खींच लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सीट की जुड़ाई होगी तो ऐसे लाइनिंग लगा लेंगे, यानी इस मार्के से 1/2 इंच नीचे और कटिंग होगी इस पे तो इसको ऐसे लाइन लगा लेना है। अब दोस्तों ये मार्किंग हो चुकी है, अब अपने शेप फट्टी की मदद से ये शेप कर लेनी है
इस तरीके से इसको हल्का सा क्रॉस करेंगे नीचे। तो दोस्तों पैंट की पूरी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है, अब मैं इसकी जल्दी से कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों लाइनिंग से बाहर की साइड में मैंने इसलिए कटिंग किया कि ये एक्स्ट्रा के लिए रखा है, ताकि कभी थाई से लूज करनी हो पैंट तो इस मार्जिन का यूज करते हुए पैंट को लूज कर पाए। तो दोस्तों ये पैंट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।